बैक टू द चैनल। आज आप लोगों को मैं गुड मॉर्निंग तो बोलने वाली थी, पर अभी 12 बज चुका है ऑलरेडी। जस्ट मतलब नहा धो के निकली, मेरे एक फ्रेंड का कॉल आ गया था। मैं जल्दी जल्दी करके पूजा बस की, वो उसके बाद ही उसके साथ बातें करने लग गई थी, और इसलिए मैं वीडियो भी स्टार्ट नहीं कर पाई। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट कर रही हूँ। और उसके साथ ना बातें करते करते मैं राइस भी कुक कर लिया, क्योंकि सुबह संदीपन को मतलब जब दे रही थी मैं खाना बना के, उस टाइम राइस मैं बनाई थी बट बहुत कम हो गया था, उसको ही दे दिया था, नहीं हुआ मेरा, इसलिए दोबारा मुझे करना पड़ा। तो वो भी हो चुका है, मैं अभी खाऊंगी खाना। ठीक है, और उसके पहले ना टैंकी में पानी खत्म हो गया, मैं भूल गई थी एक्चुअली क्या। तो अभी मोटर को मैं चालू करूँगी और जल्दी जल्दी करके मुझे खाना खाना होगा। उसके साथ साथ आज का जो कपड़ा मैं अभी तक धोया नहीं, मतलब रखा हुआ है अंदर, उसको मैं धो के फटाफट दे दूँगी। खाना खाने के बाद करूँगी, क्योंकि पानी भरने ना टाइम तो 15 मिनट देना पड़ेगा ना, इसलिए। और भूख भी जोर से लगी है, तो चलो पहले मैं खाना खा लेती हूँ। आज मैं फूलगोभी एंड भेटकी करी बनाई, बेसिकली बोल सकते हो फिश करी। तो ये अभी खाऊंगी मैं, सुबह संदीपन को यही दिया मैंने, और मेरे लिए अभी देन उसके बाद मैं देखो धूप सेकने आ गई थी, ठंडा लगता है। नहा धो के मैं बैठती हूँ बट आज तो बैठ नहीं पाई हूँ, इसीलिए खाना खाने के बाद ही आई हूँ। और ये देखो, ये टमाटर का प्लांट है, और ये ग्रो बैग में मैं लगा के रखी थी ना, बीज डाल के उगाई थी, तो बहुत लंबा हो चुका है अभी। इसको अभी करना पड़ेगा, मिट्टी में डालना पड़ेगा, तो इसीलिए मेरे पास गमला अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए संदीपन को बोला था मैंने, मतलब कही थी ऐसे करके एक बेड बनाने के लिए, नीचे पॉलीथीन डाला और उसके बाद मिट्टी और साइड साइड में ईंट लगा दिया, तो ये फैलेगा नहीं चारों तरफ मिट्टी, इसीलिए। और इसलिए मैं ऐसे करके जितना सारा बचा हुआ था ना, ज़्यादा तो मैंने लोग को दे दिया, और मेरे पास जो था लास्ट वाला, ये मैं ऐसे करके लगा रही थोड़ी हूँ। देर बाद में पानी डालूंगी, और देखो इसमें ना ऑलरेडी फ्लावर भी आ चुका है, और कल मैंने पानी नहीं दिया था इसलिए देखो ये मुरझा गया था, और आज मैंने थोड़ी देर पहले पानी दिया था इसको, जो मैं लगा के रखी थी ना ग्रो बैग में, उसमें पानी डाल दिया था। और उस दिन मैं मिर्ची लगाई थी ना, मिर्ची में फ्लावरिंग हो रहा था, और ये लगा दिया ना, ये देखो इसमें मिर्ची भी लग गया, इसमें भी लग गया, तीन लगाई इसमें, अभी फ्लावरिंग जस्ट शुरू हो रहा है। ब्राम भी ऊपर में यहाँ पर सब कुछ लगाई थी, रखी थी ना यहाँ पर, अभी देखो बस एक नींबू का ही रखी हूँ, बाकी सब यहाँ पे जो छोटा वाला प्लांट था ना मैं नीचे ले लिया, क्योंकि गिलहरी ने काट रहा है, जो नया पत्ता फूट रहा है ना इसमें, ये भी था ऊपर, इसको भी काटा। और ब्राम भी साहब को तो बहुत नुकसान पहुंच दिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि और भी फैला हुआ था इधर भी, ये सब काट दिया था इसीलिए। और अभी थोड़ी देर में मैं पानी डालूंगी, चलो उसके पहले ये देखो, ये बैंगन मैंने हार्वेस्ट अभी तक नहीं की, तो आज तो करना ही पड़ेगा। 2 दिन में करना था, मतलब 2-3 दिन पहले भी करना था, उस दिन कुछ और बन गया था, और इसको फ्राई खाना है संदीपन को, तो संदीपन पहले ही बोल दिया था इसको तो फ्राई करना ज़रूर, तो आज मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। कैंची से काटना पड़ेगा शायद, हाँ कैंची से काटना पड़ेगा। और देखो इसको मैं काट लिया, एक हाथ से नहीं हो रहा था। और देखो मेरे गार्डन में कितना अच्छा अच्छा फ्लावर भी खिले हैं, इसका कलर देखना, मतलब शायद कैमरा में नहीं दिखाई दे रहा है उतना अच्छे से, बट नेचुरली ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उस तरफ एक वैरायटी है, वो रेड वाला का एक
मतलब सेम वैरायटी तो सेम है, बट कलर ऑप्शन अलग है, और इसलिए मैं आज दिखा रही हूँ। पता नहीं ये भी कौन मतलब कब तोड़ के ले जाए। ये तो खाली हो चुका है फिर से, दिवाली के बाद बहुत दिन हुआ नहीं था, पर आज देख रही हूँ दो फूल बचे हैं ना ऊपर, वो भी काल देखूंगी तो नहीं रहेगा। और ये नया प्लांट है। आप लोगों के साथ बातें करते करते ही रिलायंस से कुछ मेरा पार्सल आ गया था, तो यही ले रही हूँ अभी। और बहुत भारी था, बहुत कुछ इसमें सामान है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा भारी है। इसको उठा के मैं यहाँ ही रखी हूँ, बाद में मैं अंदर ले जाऊँगी। अंदर लेके आ गई हूँ। बहुत भारी है एक्चुअली, इसमें आलू सब्जी वगैरह भी है। काल वहाँ से आने के बाद ही ना, काल भी गई थी ना रिलायंस फेश पर, तो वहाँ से कुछ सामान बोला ना जो ज़रूरत के हिसाब से मैं आज ही लेके जा रही हूँ अभी उठा के, और बाद में वो ऑर्डर दे देगा ऑनलाइन आके घर पे दे के जाएगा। तो काल वो आके ही कर गया था ऑनलाइन ना, कुछ कुछ सामान का रेट कम था और वहाँ पे ज़्यादा था, इसीलिए संदीपन मतलब ज़्यादा कुछ सामान ऑनलाइन ले लिया, और बाद काल आने के टाइम कुछ सामान जस्ट उठा कर लाई हूँ। और इसमें अभी मैं खोलूँगी नहीं, संदीपन को आने देते उसके बाद खोलूँगी। और अभी चलो गार्डन पे चलते हैं, पानी देना है उसको, लगाई ना टमाटर, उसमें भी पानी डालना है, सारा पेड़ पौधे में पानी देना है। बस उसके बाद ना कॉफ़ी बनाऊंगी, गोला तो ऐसे भी बैठ रहा है, बात सुन के शायद समझ पा रहे हो आप लोग। तो चलो मैं फटाफट पहले दूध को गर्म करने दे के फिर जाऊंगी पानी देने। तो चलो थी ना, वॉक करने के बाद भाभी, एक भाभी रहती है ना, मैं बोल रही थी वो ऑफिस से नहीं आती, हम लोग एक साथ घूमती हूँ, तो वो भाभी के घर मैं चली गई थी एक्चुअली, और एक भाभी के साथ मैं घूम रही थी, उसके ऊपर में ही वो रेंट पे रहती है, और उनके घर से मैं कुछ खजाना लेके आई हूँ, कुछ खाने का चीज़ मेरे को दिया। और एक्चुअली उनका शादी है, उनका शादी नहीं है, उनका किसी रिलेटिव का शादी है, वो जा रही थी तो उसका ही बहुत कुछ शॉपिंग करके लाई है, वो दिखा रही थी इसीलिए मैं गई थी, और इसीलिए आने आने लेट हो गया। आज कुछ दिवाली यहाँ पर चल रहा है, छोटे दिवाली बोलते हैं एक्चुअली, क्या बोलते हैं यहाँ का, कुछ पूनम है, पूनम के हिसाब से आज आज भी दिवाली के जैसे सेलिब्रेट होता है, तो बाहर सब लोगों ने दिया जला दिया, लाइट लगा दिया, बस मैं ही लेट हो गई हूँ, मुझे अभी जल्दी जल्दी करके करना होगा पूजा, दियावती करना होगा, दिया भी जलाना होगा बाहर, तो चलो मैं फटाफट दियावती लगाती हूँ, दिया जलाते जलाते फिर मिलती हूँ। तो चलो
गया, पार्सल आया ना, इसमें इसके अंदर ही है, अभी निकालना होगा। बहुत कुछ सामान है पर मैं नहीं दिखाऊंगी। फ्रूट्स आया तो हो सकता है, वो भी नहीं पता मुझे। सब्जी तो है इसके अंदर और कुछ ग्रॉसरी आइटम है, बस यही है। तो बहुत कुछ सामान है इसमें, मैं अभी पोटैटो को निकालना होगा, तो यही मैं निकाल के ले जाऊंगी। चॉकलेट्स भी है इसके अंदर। एक्चुअली मुझे ना इससे पता नहीं, बिस्किट भी है, तो बहुत कुछ सामान है, मैं नहीं दिखाऊंगी। अब ग्रॉसरी आइटम, कैशियो, बेसन, कैरेट, टमाटर, इसमें तो हनी है, हनी मतलब हनी, चीनी, लहसुन, पत्ता गोभी, अदरक एंड ये है लास्ट में पोटैटो। तो सबको मुझे निकालना ही होता है, इसलिए आपको जो सामान में समझ पाई क्या है नाम बता दिया। ठीक है, तो चलो फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ। रोटी बनेगा एंड स्पेशल चिकन करी। आज डिनर कर लिया, संदीपन भी किया, मैंने भी किया, देखा। और अभी मैं जाऊंगी बाहर, बाहर चल रहा है पटाखा फोड़ना, छोटे दिवाली है ना, पटाखा फोड़ रहा है सब, तो मैं भी जाऊंगी। चलो तुम लोगों को तो मैं साथ लेके जाऊंगी। और उसके पहले बोलती हूँ, मैं आज का वीडियो ना यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ। सब हैप्पी रहना, खुश रहना और हमेशा स्माइल करते रहना, ओके। और मेरे चैनल पर अभी किसी नया फ्रेंड आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो, ओके। तो चलो बाहर। Thank you.